गुड हेलो मेरे भाइयों और तुम्हारी पड़ोस वाली भाभियों, कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई लोग, जैसे ही यहाँ पर उतरता हूँ वैसे भाई देखो, यहाँ पर तो मेरे को देखो हमेशा की तरह ना किस्मत अपनी खराब रहती है, गन मिलती नहीं। अगर भाई उस बंदे को गन मिली होती तो भाई क्या ही माइनस लगता। लेकिन भाई जैसे यहाँ पर गन मिलती, यहाँ पर आता हूँ तभी सामने एक मेरे को बंदा दिखता है, उसको मैं हल्का सा लेट करता। और भाई यहाँ पर देखो, थोड़ा सा गेम करने के क्या ही फायदे होते हैं। अब भाई इस बंदे को मैं जो ही सरप्राइज दिया वो नेक्स्ट लेवल था। अब भाई यहाँ पर एक चाइनीज प्लेयर आता है। अब भाई यहाँ पर मैं जाता हूँ, ये देखो मतलब कि मेरे को एक दो गोली भी कनेक्ट उसको नहीं करने दिया और मेरे को सीधा मार दिया। 100% ये 20 MS में खेल रहा होगा, लेकिन भाई इसका अपन बदला जरूर लेंगे, वो भी एक नेक्स्ट लेवल तरीके से। और भाई आप भी जरूर देखना कि उस बंदे से अपन बदला कैसे लेते हैं। तभी भाई यहाँ पर जैसे उतरता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे मतलब कि बंदे होते हैं। मेरे को एक सामने से कुछ साउंड आ रहा था, फिर मैं देखता हूँ कि ये क्या उछल रहा है बे। तभी मेरे को वहाँ पे बंदा दिखता है। और भाई देखो इस बंदे के साथ यहाँ पर क्या होता है। तो भाई इस बंदे को अपन इजी तरीके से मार लेते हैं। और भाई साथ ही में यूट्यूब रैक्स को बिग शॉट आउट, जिन्होंने भाई अपना मेंबरशिप लिया, थैंक यू सो मच भाई। जो भी मेंबरशिप लेगा उसको ऐसे ही शॉट आउट मिलता रहेगा। देन भाई देखो सामने एक बंदा भाग रहा था, उसका यहाँ पर मैं फुटबॉल फोड़ देता हूँ, लेकिन एक नीचे बंदा था। अब भाई ये बंदा बहुत अच्छा खेल रहा था, मेरे पे नेड मोली पे मोली फेंके जा रहा था। लेकिन भाई अपनी कैंपिंग एक नेक्स्ट लेवल होती है। अब जैसे ही बंदा आता है, वैसे भाई इस बंदे को यहाँ पर मैं लॉबी भेज देता हूँ। और भाई ये बदला कि बहुत देर से मेरे किल भी चुरा रहा था। और भाई इसको मारने के बाद मैं यहाँ पर मैं चिढ़ाता हूँ। अब भाई इमोट करने का ऑप्शन आ नहीं रहता, देन भाई यहाँ पर इसको मैं चिढ़ाता हूँ। तभी यहाँ से निकल रहा होता हूँ, एक बोर्ड दिखता है, इस बोर्ड को मारता हूँ। अब भाई यहाँ से सिंपल सा मैं जोन के लिए रवाना होता हूँ। बाकी भाई देखो, जिनको भी पेड थंबनेल बैनर जो भी बनवाना हो ना, मैं भी एक बंदे से बनवाता हूँ। अगर आपको भी पेड बनवाने हो ना तो भाई मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, उससे बात बात कर सकते हो। और भाई जिनको बनवाना है वो बात कर लेना। देन भाई यहां से सिंपल सा मैं निकलता हूं और यहां पर मेरे को एक बंदा दिखता है। अब भाई ये बंदा शायद वही था जिसको मैं यहां पर थोड़ी देर पहले मारा था, लेकिन भाई ये बंदा बहुत अच्छा खेल रहा था। अब यहां पर देखो कि इस बंदे को यहां पर अपन कैसे मारते हैं। तो भाई यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन एंड द एंड अपन इस बंदे को मार मार के यहाँ पर आता हूँ ड्रॉप लूटने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ पेटियाँ दिखती है और मेरी फट जाती है, देन यहाँ से मैं निकलता हूँ। अब यहाँ पर कुछ बग्गी भी लगी हुई थी, देन मैं कन्फर्म था कि यहाँ पर कोई ना कोई कैंपर जरूर मिलेगा। तभी ये बग्गी वाला मेरे को मिल जाता है। अब भाई देखो, पहले तो मेरे को इसको मारना था, लेकिन भाई ये भी रुक नहीं रहा था। देन भाई यहाँ से मैं निकलता हूँ, बट भाई देखो यहाँ पर क्या सीन होता है। एक मेरे को बोर्ड मिलता है, इस बोर्ड को मारता हूँ, देन भाई यहाँ से मैं निकलता हूँ। अब बग्गी का फ्यूल भी खत्म होने वाला था, देन बग्गी सेंज करता हूँ और इस वाले ड्रॉप पे फिर से आ जाता हूँ। और भाई यहाँ से अपन को मिल जाता है LMG। अब भाई LMG मिलने के बाद में क्या होता है कि सामने कुछ स्मोक हुआ था और भाई यहाँ पर आसपास में अच्छे खासे बंदे आ चुके थे। सबसे पहले ऊपर चलता हूँ, ये टिप्स एंड ट्रिक लगाता हूँ। घर के ऊपर चढ़ने के बाद में यहाँ पर मेरे को एक बंदा दिखता है। तो भाई इसी के साथ इस बंदे को मरने के बाद में यहाँ पर नेक जोन भी कटने वाला था। और जो सामने वाले कंपाउंड में एक बंदा होता है, उसको आना है जोन में। और भाई जैसे ही वो मेरे को बंदा दिखता है, अब देखो उसके साथ अपन क्या करते हैं। तो भाई इस बंदे को मारने के बाद में नहीं, यहाँ पर मेरे को कहीं से गन के साउंड आ रहे थे, लेकिन मैं कन्फर्म नहीं था कहाँ पर था। तभी मेरे को वहाँ पे बंदे कुछ दिख जाते आपस में फाइट करते हुए। तो भाई इसी के साथ यहाँ पर मैं करता हूँ थर्ड पार्टी और एक बंदे को मार देता हूँ। लेकिन एक बंदा वहाँ पर अभी भी बचा हुआ था। लेकिन भाई अब बारी थी उस बंदे को मारने की जिसने अपन को पहले मारा था, उस चाइनीज बंदे को मारने की। वो मेरे को सामने दिखता है कलुआ, और भाई इस कलुओं को अपन इतना गंदा मारते हैं ना, मतलब कि ये किसी और से फाइट ले रहा था और इस बंदे को अपन इजी तरीके से मार लेते हैं। अब भाई देखो बारी उस बंदे की थी जिसके साथ ये कलुआ फाइट ले रहा था। अब देखो इस कलुए को बताते हैं कि देखो, इंडियन प्लेयर से पंगा लोगे ना
तो जैसे ये बाइक वाला दुराटे काटे हुए भाग रहा था ना, वैसे भाई आप ऐसे ही लॉबी जाओगे। अब भाई देखो यहाँ पर उसको मारने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। देन भाई देखो यहाँ पर क्या सीन होता है, अगला जोन भी आने वाला था लेकिन यहाँ पर किसी ने मेरे को M24 मारी थी। अब बारी थी उस बंदे को मारने की, लेकिन वो बंदा दिखता तो नहीं है लेकिन मैं कन्फर्म श्योर था कि यहाँ पर आसपास होगा और उसको जोन में जरूर आना होगा। अब भाई देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं खुद जोन के लिए निकलता हूँ, उसके बाद यहाँ पर सिंपल सा बग्घी घुमाता हूँ और आसपास देखता हूँ कि कोई ना कोई बंदा मिल जाए तो भाई अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक नहीं भाई दो दो सपेरे मिलते, एनाकोंडा मिलते। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, तो भाई इस कोबरा को मारने के बाद में यहाँ पर मेरे को एक और एनाकोंडा दिखता है। अब भाई इसको भी यहाँ पर मैं मार देता हूँ। देन भाई मैं निकलता हूँ नेक्स्ट जोन के लिए। अब भाई देखो सिंपल सा यहाँ पर तीन बंदे बचे हुए थे जिनका भाई मेरे को पोजीशन नहीं पता था। यहाँ आता हूँ थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, एक सामने से एक में था जिसको मेरे को कन्फर्म पता था और भाई एक ना मेरे जस्ट सामने भी था। अब मेरे को लगा था कि मेरा पूरा पीछे क्लियर होगा। देन देखो मेरे सामने एक बंदा था। अब भाई उस बंदे को ना मेरे को थोड़ा बहुत उस बंदे से डर था कि कहीं ना कहीं वो मेरे को साइड से ना मार दे बिकॉज उसके पास मिनी थी। अब भाई देखो सबसे पहले मैं सैक वाले को मारने का ट्राई करता हूँ लेकिन उसको तो मार नहीं पाता। तभी मेरे को कोई पीछे से मारता है भाई। अब मैं कंफ्यूज था कि कहाँ से पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर देखो अब भाई जैसे वो बंदा मेरे को दिखता है उस बंदे को मैं इजी तरीके से मार लेता हूँ। लेकिन भाई जिस बंदे का मेरे को डर था सामने वाले बंदे का, हंड्रेड परसेंट मैं .HP कहूँगा, लेकिन ये बंदा बच जाता और भाई यही मेरी सबसे बड़ी गलती होती है। अब वो बंदा मेरे को साइड से मार रहा था, शेक वाला भी मार रहा था, निर्वीड फेंक रहा था, लेकिन अगला जोन आ चुका था और मेरे को निकलना अभी जोन। अब भाई वो बंदा भी जोन के लिए निकल रहा था, मेरे को भी जोन के लिए निकलना है। अब यहाँ पर सीन क्या होता है कि मेरे को लगा मैं था कवर में, लेकिन भाई यहाँ पर कुछ और ही सीन होते हैं। जैसे यहाँ पर आता हूँ मैं थोड़ा और कॉन्फिडेंस में खेल रहा था कि क्या है वो क्या ही मार देगा मेरे को, और मैं थोड़ा ओपन में आ गया। मेरे को लगा कि मेरे पास पत्थर का कवर होगा लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। बाकी भाई देखो इस वीडियो में बस इतना, मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करना है। अब भाई देखो यहाँ पर क्या सीन होने वाला है वो तो आप खुद ही देख लो।